गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो जो है ना, शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि साइप्रस के अंदर लॉकडाउन जो है ना वो 24 को जो है ना लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था साइप्रस के अंदर। तो उस हवाले से मैंने आपको बताया था 6 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, फोर्सली अप्लाई किया गया रूल्स। इसी तरह ही जो है ना पुलिस वाले 250 पुलिस वाले गाड़ी 200 लेके और कुछ पेडेस्ट्रियन वाला जो है ना पुलिस वाले घूम रहे थे निकोसिया के अंदर, पाफस के अंदर और लिमासोल लार्नाका के अंदर। तो उन्होंने कुछ ना कुछ लोग पकड़े हैं, वो लोगों की तादाद तकरीबन 31 थी, जिसमें से जो है ना 8 निकोसिया के अंदर थे और 1 लार्नाका के अंदर था, 11 लिमासोल के अंदर थे और कुछ पाफस के अंदर और लास्ट में ना मोरफू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी था एक बंदा। तो सबसे पहले मैं अब ये बताता हूँ आपको, आगे चलने से पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए ज़रा, ये निकोसिया की वीडियो है जहाँ पे पुलिस वाले जो है ना लड़कों को पकड़ रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आप बाहर निकले हैं। ये एक दिन पहले की वीडियो है। जैसे कि आपने देखा है इस वीडियो के अंदर जो है ना पुलिस वाले पकड़ रहे थे, ये ओही राउंडअबाउट की वीडियो है। वही रोड पर लड़कों ने रिकॉर्ड वगैरह की थी जिसको पुलिस वाले रोक के उन्हें पकड़ रहे थे। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि घर में बैठ के आपको पता चल रहा होगा कि यार शायद कि ना पुलिस वाले जो है ना मजाक करें या साइप्रस में ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी जो है ना लॉकडाउन नहीं है। तो उनसे पहले मैंने आपको इस साथ एक वीडियो शेयर भी की थी कि जहाँ पर आप SMS करके अपनी परमिशन वगैरह ले सकते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। तो सुनने में ये भी आया था कि शाम तकरीबन जो है ना उसके बाद 35,000 जो SMS सेंड किए गए थे, उसके बाद जो सिस्टम क्रैश हो गया था, इस वजह से वो परमिशन SMS नहीं आ रहा था। तो ये भी मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि एक जो है ना कार को जब स्टॉप किया था तो ऑफिस के साथ वो जो है ना आर्गूमेंट करने लग पड़ा था, कहता कि मैंने SMS सेंड किया था, वहाँ से मुझे परमिशन SMS नहीं आ रहा था, तो मुझे ज़रूरी था बाहर जाने के लिए, मैं इसे बाहर निकल आया था। ऑफिसर ने इसे यही बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से तूने ली थी वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा परमिशन तो आप घर नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपके पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप बी फॉर्म फिर प्रिंट करके वो जो है ना फिल आउट करके बाहर निकल जाते। तो ये तरीका कहा था। एनीवे ये आपको बताने का ये मकसद है कि आप 150 यूरो से फाइन से बच सके। जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने जो है ना परमिशन वगैरह SMS अपने पास रखें, ज़रूरी तो नहीं है बाहर आप एवरीडे जो है ना 3 दफ़ा जाएं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस ऑफिसर जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे घर के बाहर मैंने देखा था कि मन 1-2 दफ़ा जो है ना जब मैं बाहर खड़ा होता था 5-10 मिनट के अंदर 1-2 दफ़ा गाड़ी गुजरती है, ठीक है, वो देख चेक कर रहे होते हैं कि यार कौन बंदा जो है ना विदाउट जो है ना परमिशन बाहर निकला हुआ है। एनीवे पता चलूँ कि सिस्टम जो है क्रैश हुआ था, उसके बाद दोबारा से शाम को जो है ना उन्होंने दोबारा सर्विस में ले आए हैं, वो रिपेयर कर दिया था, तो अभी कोई मसला नहीं है। तो साथ में उन्होंने ये भी बोला था दोबारा से न्यूज़ के अंदर कि यार एक बंदा जो है वो दिन में 3 दफ़ा सिर्फ सुपरमार्केट के लिए निकल रहा है, ये ऐसा नहीं हो मुमकिन है कि अगर आप निकल रहे हैं एक दिन में तो आप सुपरमार्केट के लिए जा रहे हैं तो एक ही मैसेज करें भाई सुपरमार्केट जाने, आपने फार्मेसी जाना है तो फार्मेसी जो है कि हो जाए। तो मैक्सिमम उन्होंने बताया कि यार 3 SMS कर सकता है बंदा, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप एवरीडे 3 SMS करके बाहर ही निकलें, बट डिपेंड्स ऑन यू। तो उन्होंने जो लिमिट दी है आपको पता ही है, अदरवाइज़ आप अगर SMS अपने पास नहीं रखेंगे, अपना पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं पास रखेंगे तो आपको 150 यूरो का फाइन फेस करना पड़ सकता है, जो इस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो आप भी बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो।